इन तीन ने भारतीय टीम की लुटिया डुबाई। दूसरे दिन भारतीय टीम बैकफुट पे आई। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त हो गया और यह दूसरा दिन साफ तौर पे साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों के नाम रहा और साउथ अफ्रीकन टीम के जो पूर्व कप्तान सलामी बल्लेबाज डीन एलगर ने तो यहां पर खूंटा गाड़ दिया और कहा कि आओ आउट करके दिखाओ मुझे, चाहे आपका नाम बुमराह ही क्यों ना हो, चाहे आपका नाम सिराज ही क्यों ना हो, चाहे आप विश्व के सबसे बड़े स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ही क्यों ना हो, पहले आपको मुझसे लोहा लेना होगा, तभी जो आपका सपना है वो सच होगा, साकार होगा कि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराकर श्रृंखला जीतना। तो यहां पर डीन एलगर की सतकी पारी आई। लेकिन भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने निराशजनक प्रदर्शन किया, बहुत ही लेट डाउन किया और मोहम्मद शमी की कमी खलती हुई नजर आई। और आज के मुकाबले में यानी कि आज के दिन में भारतीय टीम के तरफ से तीन खलनायक रहे जिन्होंने पूरी तरीके से भारतीय टीम की लुटिया डुबा दी है। भारतीय टीम इनके निराशजनक प्रदर्शन के कारण इस टेस्ट मुकाबले में बैकफुट पर आ चुकी है और लगभग हार के कागार पर भी खड़ी हो गई है, क्योंकि 11 रनों की बढ़त साउथ अफ्रीका ने यहां पर ले लिया है। अगर यह बढ़त 100 रन तक पहुंच जाएगा कल तो फिर चीजें काफी मुश्किल, काफी दुश्वार हो जाएंगी और यहां पर फिर जीत पाना इतना पीछे होकर अपने आप में एक चमत्कार जैसा होगा। तो अपने इस रिपोर्ट में यही देखने वाले हैं कि वो कौन से तीन खलनायक रहे जिनके कारण भारतीय टीम दूसरे दिन बैकफुट पर नजर आई और जो दूसरा दिन रहा वो साउथ अफ्रीका के नाम रहा। तो आते हैं ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले अपने सबसे बड़े खलनायक की बात करते हैं। ये है भैया प्रसिद्ध कृष्णा। पहला टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं तो नर्व्स होते हैं, चीजें थोड़ी सी कठिन होती है और वैसा ही कुछ घटित हुआ प्रसिद्ध कृष्णा के साथ बुमराह और सिराज का। जब पहला स्पेल आया तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम जोरदार तरीके से यहां पर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो जाएगी और काफी अच्छा खासा बढ़त ले लेगी, क्योंकि 245 रन राहुल के शतकी पारी के बदौलत भारतीय टीम ने इस चैलेंजिंग सेंचुरियन पिच पर बना लिया था। तो सभी क्रिकेट प्रेमी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक इतने आश्वस्त थे कि भैया इतना तो बहुत है, अगर यहां से 30-35 रन की भी लीड भारतीय टीम ले लेगी तो बहुत होगा। लेकिन जब चेंज हुआ स्पेल का, मोहम्मद सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को लाया गया तो फिर चीजें पूरी तरीके से बदल गई और खूब लूज डिलीवरी फेंकी गई। 15 ओवर में आप देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट है, 61 रन प्रसिद्ध कृष्णा ने खर्च किया और अंत में जाते जाते जरूर एक विकेट अपने नाम लिया। तो पूरी तरीके से जो मैच का मोमेंटम चेंज हुआ प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से हुआ। अगर हम बात करें अपने दूसरे कल्प्रिट की तो वह है शार्दुल ठाकुर द लॉर्ड। भैया हर बार इनको लॉर्ड ठाकुर कह के पुकारा जाता था, वो इसलिए कि जब भी भारतीय टीम मुश्किल स्थितियों में रहती है, आई है टेस्ट क्रिकेट में मझधार में फंसी रहती है, विकेट नहीं गिरता है, पार्टनरशिप लग जाता है, तो भारतीय कप्तान शार्दुल ठाकुर को याद करते हैं और शार्दुल ठाकुर विकेट दिलाते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज बुरी तरीके से अपने लॉर्ड ठाकुर फेल रहे, एक भी ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए। एकाध मौके जरूर लॉर्ड ठाकुर ने बनाए, राहुल की थोड़ी सी लचक कीपिंग आप कह सकते हैं वहां पर हुई जिस कारण से विकेट उनके खाते में नहीं जुड़ पाया, लेकिन आज इन्होंने खूब सारे रन लुटाए और ये शार्दुल ठाकुर के लिए कोई नई बात नहीं है कि भैया 12 ओवर में 57 रन दे डाले। जो नई बात है वो ये है कि विकेट कॉलम इनका खाली रह गया, ये भारतीय टीम के लिए घातक साबित हो गया। अगर इस विकेट कॉलम में 57 रन देकर एक दो विकेट रहते तो भारतीय टीम की स्थिति इतनी नाजुक नहीं होती। तो जो लॉर्ड ठाकुर ने आज ब्रेक थ्रू नहीं दिलाया इसके कारण भारतीय टीम बैकफुट पे खड़ी हुई है। अगर हम बात करें तीसरे गुनहगार की तो वह है रविचंद्रन अश्विन। हालांकि इनको बहुत ज्यादा आप दोष नहीं दे सकते क्योंकि ओवरसीज कंडीशन है, यहां पर गेंद ना ही स्पिन करने वाली है ना ही पिच से इनको मदद मिलने वाला है। तो अगर अपने चालबाजी से एकाध दो विकेट एकाध दो खिलाड़ियों को अश्विन फंसा लेते तो फिर वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आता। लेकिन यहां पर आर अश्विन इनइफेक्टिव दिखे, कोई भी स्पिनर रहता तो इनइफेक्टिव दिखता क्योंकि यहां पर पेसरों के लिए सब कुछ है। हालांकि चौथे और पांचवें दिन अगर टेस्ट गया तो जरूर अश्विन कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनके लिए कुछ है नहीं। फिर भी 8 ओवर में 19 रन खर्च करके 0 विकेट, ये जो कालम रहा 0 विकेटों का, ये भारतीय टीम के लिए घातक साबित हुआ। ना प्रसिद्ध कृष्णा इफेक्टिव दिखे, ना शार्दुल ठाकुर, ना आर अश्विन, यानी कि जब चेंज ऑफ द बॉलर्स हुए, जब
वहां से सिराज और बुमराह को हटाया गया, तो साफ तौर पे जो मोहम्मद शमी का इंपैक्ट रहता था हर टेस्ट मुकाबले में, हर टेस्ट श्रृंखला में, वो यहां पे कमी रही, वो कमी खलती हुई दिखी। क्योंकि जो जब चेंज बॉलिंग हुआ तब फिर भारतीय टीम की जो गेंदबाजी रही बिल्कुल साधारण दिखी। शमी रहते थे तो एक छोर से एनर्जेटिक गेंदबाजी करते थे और खूब तंग किया करते थे अपनी सीम से, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा काफी फीके साबित हुए, आर अश्विन भी कुछ अपना असर नहीं छोड़ पाए। तो ये तीन गुनहगार थे जिनके कारण भारतीय टीम दूसरे दिन बैकफुट पे आ गई है, हार के कागार पर खड़ी हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भैया तीसरे दिन कैसा प्रदर्शन आता है भारतीय गेंदबाजों का, क्या ये जो लीड 11 रनों की है इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर साउथ अफ्रीकन टीम के बल्लेबाज और खासकर डीन एल्गर अपना जो संयम है उसको बरकरार रखते हैं, अपना दृढ़ संकल्प को बरकरार रखते हैं, कोई भी लूज शॉट नहीं खेलते हुए इस लीड को अगर 100 तक पहुंचा देंगे तो फिर भारतीय टीम के लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाएंगी, काफी कठिन हो जाएंगी, काफी दुश्वार हो जाएंगी, और फिर इस मुकाबले में वापसी कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। ये तो तीसरे दिन के खेल में ही पता चलेगा। मिलते हैं आपसे तीसरे दिन, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।